आपके पैलेस पे राधेश्याम पैलेस पे शूटिंग शुरू हुई है, जल्द था क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से शूटिंग हुई थी, भव्य मुहूर्त करके फिल्म की शूटिंग जी। सबसे पहले तो नमस्कार आप लोगों को, हमारे क्षेत्रवासियों को नमस्कार, और भोजपुरिया समाज के जितने भी लोग हैं, जानने सुनने वाले सबको गौर छू के प्रणाम करत बानी। और हमारे यहाँ पैलेस पे फिल्म की शूटिंग चल रही है चल झूठा, और ये बहुत ही अच्छी पारिवारिक फिल्म है, और सब अभिनेता और आर्टिस्ट सब हम आप साथ में ही हैं, और एक और हैं हीरो अजय यादव जी जो कि अभी थोड़ा शॉर्ट में बिजी हैं, तो हम लोग अपना आपसे बातचीत कर ही लेते हैं। बहुत अच्छी फिल्म बन रही है, आपके सामने बन रही है, अब आगे आएगा आपके। इतना सहयोग आप का किस तरह से सहयोग दे रहे हैं इसमें, आप एक्टिंग कर रहे हैं, किसी के सहयोग इसमें एक्टिंग में तो मैं हूँ ही, उसके अलावा सहयोग में जो भी हमसे बन सकता है, जो भी अजय जी हमसे बोलेंगे हम पूरी तरीके से तैयार हैं, उनके संरक्षण में ये फिल्म बन रही है। क्या किरदार निभा रहे हैं इसमें आप? अभी तो रोल को तो अभी सीक्रेट रखा गया है, फिलहाल विलन में ही हूँ मैं। मैडम आप क्या कहना चाहेंगी इसमें? हमारी जो फिल्म बन रही है वो बहुत ही खूबसूरत है, इसका जो टाइटल है चल झूठा करके, ये टाइटल ही बहुत खूबसूरत है, और हमारे सर हैं जो इस मूवी में विलन का कैरेक्टर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है उनका, और इस मूवी में इनका बहुत बड़ा सहयोग है, और हम इस मूवी के हीरोइन हैं, ये हमारे हीरो हैं इस मूवी के, जो बहुत ही क्यूट हैं इस मूवी में, बहुत क्यूटी क्यूटी इसकी बातें हैं, और सर भी हमारे मूवी के लीड हीरो हैं, और सर का ही पूरा सहयोग है इस मूवी में। बाकी आप सब इस मूवी को देखिएगा, प्यार दीजिएगा, दुलार दीजिएगा, ये मूवी बहुत ही खूबसूरत बनेगी। आप क्या कहना चाहेंगे? सभी लोगों मेरा नमस्कार, मेरा नाम अमित राजभर है, और आप मीडिया वाले के माध्यम से सभी दर्शकों को इस मूवी के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा कि चल झूठा नाम क्यों पड़ा। आजकल देख ही रहे आप लोग कि दर्शक भी देख रहे हैं कि हर जगह कहीं ना कहीं झूठ का और सच का चल ही रहा है, तो उसके लिए इस मूवी का जो टाइटल रखा गया बहुत ही खूबसूरत है, और ये फिल्म जितनी अच्छी बन रही है बहुत ही अच्छी बन रही है, और जल्द से जल्द जब भी फिल्में आएंगी तो आप लोग जरूर इसको देखिएगा, और इसका जो भी दुलार दीजिए, आशीर्वाद दीजिएगा हम सभी लोगों को, और हमारे प्रिंस जी हैं हीरो में, हम हैं, और हमारी आर्टिस्ट हैं सर सोनू सर जी हैं, और अजय जी अभी शूटिंग में बिजी हैं, तो वो भी आके आप लोगों को आपके बारे में बताएंगे। धन्यवाद। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सभी भोजपुरी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार प्रणाम सबको करते हैं। हमारी ये तीसरी फिल्म है, पहले मेरी फिल्म थी हम बदला लेंगे, उसमें संजय पांडे, प्रियंका पंडित, सेकंड हमारी फिल्म तैयार हो चुकी है इश्क हंसा इश्क रुला है, जैसे मनोज टाइगर हैं, अभी मेरी तीसरी फिल्म है चल झूठा, तो झूठे का कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ इस फिल्म में, और बहुत ही अच्छी फिल्म है, ये पारिवारिक फिल्म है, साफ सुथरी फिल्म है, और आप लोग इस फिल्म को देखें, इस फिल्म को प्यार दुलार दीजिए। और इसके अलावा हम लोग एक दो महीने बाद में कर रहे हैं साजन की सहेली और बदमाश आशिक, उसमें भी मैं लीड कर रहा हूँ, और आप लोग ऐसे प्यार और दुलार अपना बनाए रखिए, ताकि आपने कहा झूठे किरदार आप करें तो सच्चे किरदार कौन है? नहीं, झूठे का किरदार मेरा इसमें है, इस फिल्म में, बाकी हमारे सभी कलाकार साथ में हमारे, हम सब सच हैं, झूठा खाली मैं ही हूँ इस फिल्म में, दिल से नहीं कैरेक्टर में झूठा हूँ। तो आप बताइए आप कितने राजभर जी? हाँ सर बोलिए। आप झूठे के साथ हैं कि सच्चे के साथ हैं? नहीं, जब झूठ रहेगा तो सच तो सामने आएगा ही, और सच रहेगा तो झूठ आएगा ही, क्योंकि दोनों का तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों रहेंगे तभी तो पल्ला बराबर रहेगा, तो झूठ भी चाहिए और सच भी चाहिए। मैडम आप क्या कहना चाहें, झूठ और सच? मैं तो सच्चाई के साइड हूँ, और हम लोग की कहानी सच्चाई पे ही टिकी है। नहीं, झूठा तो थोड़ा होना चाहिए ना? झूठा है इसमें, थोड़ा मिक्स है, लेकिन सच्चाई बहुत सारे हैं इसमें। तो मोहब्बत भी झूठी हो रही है, सच्ची वाली हो रही है? सर मोहब्बत तो सच्ची वाली है यहाँ पे। ऑन स्क्रीन तो नहीं, ऑफ स्क्रीन समझ लीजिए। अरे बाप रे, मुझे अभी पता चला, मैडम ने अभी बोला ऑफ स्क्रीन में सच्चा प्यार हो रहा है, मुझे अभी पता चला। कल वैलेंटाइन डे किसी ने प्रपोज किया? मत पूछिए सर, मत पूछिए, हमारा वैलेंटाइन डे ऐसा कटा है ट्रेन में बैठ के, आज हम लोग उसी ट्रेन से निकल के आके आज हम लोग यहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं। हमारा कौन थे आपके साथ? सर थे, पूरी टीम थी हमारी, पूरी यूनिट थी। हमारा वैलेंटाइन डे ऐसा कटा है कि सफर में, लोग तो पास रह के करते, हम तो सफर चलते चलते कर रहे थे, वैलेंटाइन डे हमारा सफर में कटा है। गुलाब का फूल खरीदने का मौका नहीं, मौका ही नहीं मिला, मौका नहीं मिला। वहाँ पे सिर्फ क्या मिले थे, वो चाय, वड़ा पाव और समोसे, जलेबी गरम, यही सब आवाज़ें आ रही थी, वही हमने देख के इनको प्रपोज किया, भाई आज वैलेंटाइन डे, जलेबी तो खा लो, मुँह मीठा तो कर लो। कैसे किया था प्रपोज? जलेबी खिला के
2021 इनके लिए बहुत अच्छा गया। क्या बात है। अब ये बात, हालांकि ये बात झूठी है क्योंकि हमारा टाइटल ही झूठा है। भाई हम तो विलन के रूप में हैं और हमसे तो झूठ की शुरुआत ही होती है। क्या हम तो झूठ हमारी बुनियाद ही है, सच्चाई तो बाद में निकलती है, पहले तो झूठ से ही शुरुआत हमारी होगी, लास्ट में बाद में निकलेगी सच, पर्दे पे वो सबके सामने आएगी। अभी तो झूठ के ही कैरेक्टर में मैं भी रहूँगा। ये जो आप चंदन है ये भी झूठा है असली वाला? नहीं, ये तो ओरिजिनल है भाई, शुद्ध ब्राह्मण। हर हर महादेव। हर हर महादेव। डायरेक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, स्ट्रिक्ट हैं, अपने काम के प्रति बहुत सजग हैं उनके। हम लोग जो आर्टिस्ट हैं हम लोगों को भी अच्छी प्रेरणा मिल रही है उनसे, और प्रोड्यूसर भाई सब ठीक हैं, बढ़िया हैं। हम लोगों को काम दिया गया है, बहुत बड़े अन्नदाता हैं हम लोगों के भाई। जहाँ से काम मिला, रोटी मिली, तो वहीं तो बेटर रहेगा ना। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी न्यू यूनिट बहुत अच्छी है, पूरी टीम ही बहुत अच्छी है और हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब मेहनत तो आपको इस मूवी के बाद ज़रूर दिखेगा और आप सामने से सपोर्ट करेंगे इस मूवी को। ये मतलब पूरी यूनिट ही इस मूवी को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं सभी को यहाँ पे, और सर लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी ठंडी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, थोड़ा कम है लेकिन ठंडी मुझे लग रही है, फिर भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि मूवी अच्छे से अच्छी बनी, और बहुत अच्छी बनेगी क्योंकि कहानी बहुत खूबसूरत है। किरदार की बात की जाए तो किस तरह किरदार है? मेरा प्रिया, मेरा कैरेक्टर में मेरा प्रिया नाम है, और ये हमेशा झूठ बोलते हैं, लड़ाते रहते हैं इस मूवी में, मतलब सभी को पूरे लड़ाई झगड़ा ये यही कराते हैं, और मैं इनको हमेशा लड़ाई झगड़े से निकाल के बाहर ले आती हूँ, फिर भी ये घुमा फिर के जाके वहीं पर लड़ाई झगड़ा करके करा देते हैं यहाँ पे। कैरेक्टर ही जब झूठा है, फिल्म ही झूठी है, तो मुझे करना पड़ता है, क्योंकि जब तक मैं किसी को झूठ नहीं बोलूँगा, तो आजकल जानते हो फिल्म इंडस्ट्री में भी अगर हम फिल्म बनाते हैं तो हीरोइन को पहने बोलना पड़ता है, कुछ ना कुछ बहाने करना पड़ते हैं, कुछ ना कुछ झूठ बोलना पड़ता है, तभी हीरोइन खुश होती है, हाँ सर अच्छे बोले, हम साथ में झूठी तारीफ करते हैं, झूठी तारीफ करते हैं, बाद में हीरोइन फिर बोलती है हाँ ठीक है सर अच्छे, हम आ गए काम करेंगे। मैडम आपने अब तक क्या क्या वर्क किया है? सर मैंने अभी फ़िलहाल ये एक घूंघट में रहदम मूवी की है जो अभी मार्च के एंडिंग में रिलीज हो जाएगी। आप सब दर्शकों को मैं कहना चाहूँगी कि मेरी उस मूवी को भी प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, क्योंकि घूंघट में रहदम जो मूवी है वो भी बहुत खूबसूरत मूवी है, और वो बन चुकी है, बस रिलीज होने वाली मार्च के एंडिंग तक में वो भी रिलीज हो जाएगी। और ये मेरा दूसरा वर्क है, और फिर कंटिन्यू हम लोग का मूवी चालू है, जैसे सर बोले सर की मूवी है तो वैसे ही हम लोग कंटिन्यू मूवी चालू करेंगे, इस मूवी के बाद भी हमारा नेक्स्ट मूवी चालू हो जाएगा। आप बताएं आपने क्या क्या वर्क किया? सर मैं तो काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री में, और मैंने ग्राउंड लेवल से काम किया हुआ है, और मेरी जो सबसे अच्छी फिल्म रही है सबसे बड़ा चैंपियन जो रवि किशन जी थे उनके साथ में मैंने काम किया, और मैं उसमें कॉमेडी था, मेरा एक अलग किरदार था, तो बहुत ही अच्छा लगा। और अभी उससे पहले मैंने 2-3 मूवी और की, और अभी हमारे एक और आने वाली है मूवी, तो जो हमारा जो मेन अभी जो कैरेक्टर है, जो मेरा हीरो का रोल अभी जो मुझे मिला है हमारे अजय जी के माध्यम से, उन्होंने मुझे क्या समझ के और मेरे अंदर क्या देख के उन्होंने मुझे कहा कि अमित जी आप हीरो का रोल करिए, आपका लुक अच्छा है आप ही करिए, उन्होंने मेरे अंदर क्या, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि अजय जी ने मुझे इस चीज़ के बारे में बोला और उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया, और आज मैं उनकी फिल्म में चल झूठा की शूटिंग कर रहा हूँ, और चल झूठा के सेट पे हूँ मैं आज, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं सभी दर्शकों से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि हमारी जब भी मूवी आएगी आप लोग उसको ज़रूर प्यार दीजिएगा। आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? जी फिल्म बहुत अच्छी बन रही है चल झूठा, और आप लोग ऐसे ही अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिए ताकि आप लोगों के लिए हम लोग अच्छा अच्छा फिल्म बना के लेके आप लोगों के बीच में आए, आशीर्वाद अपना बनाए रखिए। सोनू जी आप क्या करना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे दर्शकों से कि अपना प्यार आशीर्वाद हमारे ऊपर बना के रखें, अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत बड़ी ज़िंदगी है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि जो दर्शकों को देखने को मिलेंगे, मन लुभाने की कोशिश करेंगे, अब ये प्यार देना तो दर्शकों का है, वह दें, बस यही चाहते हैं। मैडम आप क्या कहना? बस यही कहना चाहते हैं कि हमारी सारी मूवी को आप देखिए, और फिर जो हमारा ये चल झूठा शूट हो रहा है वो बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगी, तो आप सबको दर्शकों के हमारी तरफ से क्या बोल रहे धन्यवाद। लेकिन ये प्यार वाली बात आपने किया वो भी बता दीजिए, वो सच्चा है कि झूठा है? वो भी झूठा है क्योंकि हमारा
क्योंकि झूठा है। हाँ झूठा है तो वो भी झूठा है सर, क्योंकि सभी दर्शक देख रहे हैं हम दोनों को। झूठा है ये नहीं नहीं मैडम, सच्चा है ये मैडम, सच्ची है भाई की हमारा प्यार झूठा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ऐसे ही आप लोग हंसते मुस्कुराते प्रोजेक्ट पूरी करिए। थैंक यू, धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.